हर सुबह कार्ल के ऊपर ठंडा पानी डाला जाता है। ये गोरा आदमी कार्ल को जल्दी कमरे से बाहर निकलने को कहता है, पर जब कार्ल अपने रूम से बाहर जाता है ये उस पर पानी की कंटिन्यू स्प्रे करते रहता एंड फिर वो कार्ल के सर को पानी के बैल में डुबा देता। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब कार्ल को बुली किया जा रहा है। नेवी स्कूल के पहले दिन जब कार्ल यहाँ पर आया था, सारे गोरे उससे बहुत ही ज़्यादा नफरत करते, वो भी बस उसके काले रंग की वजह से। जब कार्ल डॉम के अंदर जाता है, ये आदमी कहता है कि मैं किसी ब्लैक पीपल के साथ यहाँ पर नहीं रह सकता। उसे देख सारे गोरे आदमी अपना सामान पैक करके कमरे से बाहर निकल जाते हैं। ये देख कार्ल को बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन सिवाय चुपचाप इस रेसिज्म को सहने के वो कुछ नहीं कर सकता एंड सोने चले जाता है। कार्ल की फैमिली बहुत ही गरीब है एंड उसकी आखिरी उम्मीद है ये नेवी स्कूल। उसे किसी भी हालत में यहाँ से ग्रेजुएट होना पड़ेगा एंड इससे उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बचपन में कार्ल ने 7th क्लास में ही स्कूल ड्रॉप कर लिया था एंड नेवी एग्जाम्स में भी उसे बस 37 मार्क्स मिले हैं। अगर वो अच्छे पॉइंट से कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाया तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन ये गोरे आदमी उसे कुछ भी नहीं सिखाना चाहते हैं। इसलिए वीकेंड छुट्टियों का फ़ायदा उठाते हुए कार्ल लाइब्रेरी जाता है। लाइब्रेरी में वो अपनी ऐसी एक ब्लैक गर्ल जो उसे पढ़ाने के लिए कहता है, वो बहुत मेहनत करता है एंड सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई करता है, जो के गाइडेंस में वो सब कुछ अच्छी तरह से सीख पा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्स में कार्ल को पूरे 76 मार्क्स मिलते हैं एंड लकीली वो कोर्स को पास कर लेता है। नेक्स्ट डे उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। दो स्टूडेंट्स एक लाइफ बोट को रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन अचानक बोट डूबने लगती है और इसमें एक स्टूडेंट की ऑक्सीजन पाइप कट जाती है। इन दोनों को बचाने के लिए कार्ल पानी में उनके पास जाता है और कामली सिचुएशन को हैंडल करने लगता है। फंसे हुए दोनों स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट खुद को बचाने के लिए अपने दोस्त को वहीं पर छोड़कर ऊपर चले जाता है, लेकिन कार्ल ऑक्सीजन पाइप को उस आदमी के सूट से कनेक्ट करके उसे बचा लेता है। जब ये स्कूल वापस जाते हैं, उनके सुपीरियर्स उन्हें बुलाते हैं एंड वो उस आदमी को बुलाते हैं जो भाग गया था, लेकिन शॉकिंगली उसे गाली देने के बजाय उसे मेडल देते हैं। लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो कार्ल को नीचा दिखाना चाहते हैं और कार्ल को एहसास कराने के लिए कि यहाँ पर काले लोगों को कभी भी इज्जत और ग्लोरी नहीं मिलेगी। इस हादसे के कुछ दिनों के बाद कार्ल को खबर मिलती है कि उसके पिता की बीमारी के कारण मौत हो गई है। कार्ल उस वक्त को याद करता है जब उसके पिता जिंदा थे। उन्हें हर रोज कड़ी धूप में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। कार्ल ने अभी तक उसके पिता के लिए कुछ भी नहीं किया था और ये बात उसे बहुत ही ज़्यादा खटक रही थी। ये सोचते हुए कार्ल अवर नाइंसाफी नहीं सह सकता है, इसलिए वो उस ऑफिसर के पास जाता है जो उसे हर वक्त बुली करता है और उसे चैलेंज करता है। एक डाइविंग हेलमेट पहने हुए कार्ल वाइट ऑफिसर को चैलेंज करता है। हेलमेट पानी से भर जाता है एंड वो लोग टाइमिंग करना शुरू कर देते हैं। 2 मिनट बीत जाते हैं एंड दोनों अभी तक बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन 4th मिनट के बाद ऑफिसर और कार्ल दोनों अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से नहीं आना चाहते हैं और चैलेंज कंटिन्यू करते हैं। कुछ और पल बीत जाते हैं और ऑफिसर की नाक से खून बहने लगती है, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। खून देख बाकी स्टूडेंट्स ऑफिसर की हेलमेट निकाल देते हैं एंड वो बच जाता है एंड कार्ल जीत जाता है। पर फिर भी जीतने के बावजूद कार्ल को ये लोग रेस्पेक्ट नहीं देते। कुछ दिनों के बाद जब कार्ल अपने डॉर्म में जाता है, वहाँ पर उसे एक पेपर मिलता है जहाँ पर मैसेज लिखा था, वी विल ड्राउन यू निगर। ये ऑफिसर उसे धमकी देता है और उसे कल की फाइनल एग्जाम में जाने से मना करता है। वो कहता है कि उसे फेल करने वाला है, तो अगर वो एग्जाम दे भी देगा तब भी उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सुन कार्ल घबराने के बजाय और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है एंड ये देखकर ऑफिसर को भी गुस्सा आ जाता है एंड वो टेबल पर रखी कार्ल के रेडियो को ज़मीन पर फेंक देता है। ऐसा करने पर कार्ल को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ये रेडियो उसके फादर ने उसे दी थी एंड ये उनकी आखिरी निशानी थी। लेकिन वो खुद पर काबू रखता है, क्योंकि सिर्फ एक और रात और कल के एग्जाम के बाद उसका सपना सच हो जाएगा। दूसरे दिन एग्जाम शुरू हो जाती है एंड टास्क बहुत सिंपल है। सभी स्टूडेंट्स को इस मशीन को पानी के अंदर असेंबल करना होगा। एग्जाम स्टार्ट्स एंड सभी पानी में डुबकी लगा लेते हैं। कार्ल को जल्दी अपनी टारगेट मिल जाती है और वो ऑफिसर से अपना किट बैग मांगता है, जिससे वो मशीन के पार्ट्स को जोड़कर असेंबल कर पाए। यहाँ पर ऑफिसर टूल बैग को पानी में डालने से पहले उसे चाकू से काट देता है, जिससे सारे औजार बैग से निकलकर पानी में बिखर जाते हैं एंड कार्ल ये देखकर बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन उसे ये टास्क किसी भी हालत में पूरा करना होगा, इसीलिए वो जल्दी एक एक करके उन सारे औजारों को ढूंढने लगता है। आधी रात हो चुकी थी एंड सारे स्टूडेंट्स ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, सिवाय कार्ल के, जो अब भी पानी के अंदर ही है।
वो लगभग 9 घंटों से पानी के अंदर है एंड इससे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ चुका है। उसके हाथ ठंड से कांप रहे हैं लेकिन फिर भी वो मशीन को असेंबल करने में लगा हुआ है। इतना वक्त गुजरने के बाद भी काल के गिव अप ना करने पर ऑफिसर उसे कहता है कि उसे हार मानकर ऊपर आ जाना चाहिए वरना ठंड से उसकी मौत हो जाएगी, जिस पर काल कोई भी जवाब नहीं देता। एट लास्ट ऑफिसर और इंतजार नहीं कर पाता और अपने सबॉर्डिनेट से काल को ऊपर खींचने के लिए कहता है। रस्सी खींचने पर उन्हें काल की असेंबल की हुई मशीन मिलती है और काल तैरता हुआ ऊपर आता है। डाइविंग हेलमेट निकालने पर सभी देखते हैं कि काल का शरीर पूरा ठंडा पड़ चुका है लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जुनून है। ये देख ऑफिसर के मन में काल के लिए इज्जत बढ़ जाती है और काल फाइनली एक नेवी ऑफिसर बन जाता है। डॉम छोड़ने से पहले काल की नज़र टेबल पर रखी रेडियो पर जाती है जो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है। वो बहुत खुश है लेकिन अभी ये तो बस शुरुआत है। दरअसल काल का ड्रीम सिर्फ एक टाइबर बनना नहीं है, वो एक सीनियर ऑफिसर बनना चाहता है, दुनिया का सबसे पहला ब्लैक सीनियर ऑफिसर। कुछ सालों के बाद काल को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसे समंदर के अंदर एक न्यूक्लियर मिसाइल ढूंढने का मिशन मिलता है। सडनली उसके सामने एक सबमरीन आ जाती है। वो सबमरीन से दूर जाने लगता है लेकिन ऑक्सीजन पाइप सबमरीन में फंस जाती है। जल्दी किसी तरह पाइप को अलग करके वो सेफली दूर चले आता है और अब उसे वही न्यूक्लियर मिसाइल मिल जाती है जिसे ढूंढने के लिए उसे भेजा गया था। मिसाइल को ऊपर खींचते वक्त रस्सी टूट जाती है और इस हादसे में काल बुरी तरह से घायल हो जाता है। होश आने पर वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है और उसका एक पैर कट चुका था लेकिन इस पर वो बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो डॉक्टर से उसे एक प्रोस्थेटिक लेग यानी कि एक नकली पैर लगाने के लिए कहता है। प्रोस्थेटिक लेग लगाने के बाद वो हर रोज़ प्रैक्टिस करता है लेकिन ये पैर बहुत ही कमज़ोर है और ज़्यादा देर खड़े रहने पर उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। इससे चलते वो दर्द से अपना बैलेंस खो देता है और ज़मीन पर गिर जाता। तभी काल से मिलने वही ऑफिसर आता है जो उससे पहले बहुत नफरत किया करता था। वो उससे कहता है कि नेवी काल को रिटायर होने के लिए फोर्स करने वाला है। काल की मदद करने के लिए ऑफिसर अपने सुपीरियर के पास जाता है और काल को बस 4 हफ्तों का वक्त देने के लिए कहता है ताकि वो ट्रेन कर सके, फिर वो खुद आकर उसकी फिटनेस चेक कर सकते हैं। लेकिन सुपीरियर इस बात से साफ साफ मना करके जाने लगता है बट दरवाज़ा खोलने पर बाहर बहुत सारे रिपोर्टर खड़े थे एंड हर कोई यही जानना चाहता है कि काल को मौका दिया जाएगा या नहीं। और कोई चॉइस ना होने पर सुपीरियर को ऑफिसर की ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसके बाद ऑफिसर काल की ट्रेनिंग में उसकी मदद करता है एंड जल्द ही काल की हालत बेहतर हो जाती है एंड उसकी फिजिकल कंडीशन किसी नॉर्मल सोल्जर के बराबर हो चुकी है। फाइनली ट्रायल्स का दिन आ चुका है एंड सुपीरियर काल के लिए ट्रायल को बहुत ही मुश्किल बनाने वाला है। वो काल से पूछता है कि क्या तुम्हारी इस हालत में क्या तुम किसी ऐसे ओपोनेंट से लड़ सकते हो जो तुमसे यंग हो, तुमसे ज़्यादा ताकतवर हो, जिस पर काल कहता है कि बिल्कुल नो प्रॉब्लम। अब सुपीरियर एक डाइविंग सूट बाहर निकालता है जो लगभग 300 केजी का है और काल को ये टास्क देता है कि उसे ये पहनकर 12 कदम चलना होगा। अगर वो इसमें कामयाब हुआ तो उसे आर्मी में दोबारा से भर्ती कर दिया जाएगा। ऑफिसर सूट पहनने में काल की मदद करता है। जब उसे खड़े होने में मदद करता है तो सुपीरियर उसे ऐसा करने से मना करता है, इसीलिए काल खुद ही धीरे से खड़ा होता है। सूट काफ़ी भारी होने के कारण इसी में उसकी सारी ताकत खर्च हो जाती है। फिर भी अपने सपने को पूरा करने के इरादे से काल अपना कदम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाता है। 7 कदम चलने के बाद उसके पैर में तेज दर्द होने लगती है एंड वो अब और आगे नहीं बढ़ पाता। वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफ़ी नर्वस थे एंड सुपीरियर काल को गिव अप करने को कहता है लेकिन ऑफिसर अब भी काल के लिए चीयर कर रहा है, उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। दर्द को सहते हुए काल अपने कदम आगे बढ़ाता है और हर एक स्टेप के साथ उसका दर्द और बढ़ता जाता, लेकिन फाइनली वो 300 केजी के सूट में 12 कदम ले चुका है। सभी लोग चुपचाप काल को देखे जा रहे थे। सुपीरियर अपनी जगह से खड़ा होकर ये अनाउंस करता है दैट काल ने खुद को प्रूव कर दिया है और उसे फिर से नेवी में ले लिया गया है एंड ये सुनकर पूरा कमरा खुशियाँ और तालियों से गूंज उठती है। काल पहला डिसेबल्ड पर्सन था जिसे US नेवी में दोबारा से भर्ती किया गया एंड ये एक सच्ची कहानी है। इसके 2 साल बाद काल ब्रेशर का सपना सच होता है एंड वो दुनिया का सबसे पहला ब्लैक सीनियर ऑफिसर बन जाता है एंड दैट्स अ हैप्पी एंडिंग। तो दोस्तों याद रखना, ऑलवेज फॉलो योर ड्रीम, खुद पर हमेशा भरोसा रखो एंड कभी भी हार मत मानना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो याद से वीडियो को लाइक भी कर देना एंड अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले एंड हमारी फैमिली का हिस्सा बने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक